आरजीकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार हत्या की घटना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में युवा महिला पीजी छात्रा के साथ जो घटना घटी है वो सच में दिल दहला देने वाली है। मैं इसकी निंदा करता हूं और दुख व्यक्त करता हूं कि ऐसी अमानवीय घटना घटी है। जिस तरह से ये घटना घटी और जिस तरह से सरकार ने इसे छिपाने की कोशिश की, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया है जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं हो। और दुख की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और ये सब कुछ एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद हो रहा है। अब ये भी चिंताजनक है। बंगाल में जो घटना यंग पीजी स्टूडेंट महिला के साथ हुई है वह सच में दिल दहला देने वाली और दुनिया को, देश को झकझोर देने वाली घटना है। मैं इसकी निंदा भी करता हूं, इसकी भर्त्सना भी करता हूं और बहुत दुख व्यक्त करता हूं कि ऐसी अमानवीय घटना घटी है। मैं यह भी कहूंगा कि मेरे शब्द कम पड़ते हैं कि जिस तरीके की घटना घटी और जिस तरीके से सरकार ने इसको छुपाने की कोशिश की है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रहती है, लॉलेसनेस चरम शिखर पर है। और दुख की बात यह है कि महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन वेस्ट बंगाल में बढ़ रहा है और यह सब कुछ महिला मुख्यमंत्री होने के पश्चात ये हो रहा है, ये और भी चिंताजनक है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस केस को हशप करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की और जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और हाई कोर्ट के द्वारा जो सीबीआई की इंक्वायरी मानी गई है उसके लिए मैं हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई इंक्वायरी में दूध का दूध पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने आएगी। बहुत से डेलीगेशंस, डॉक्टर्स एसोसिएशंस हमारे से मिली है पिछले दो दिनों में। मैंने सभी को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार कोई भी इस घटना के साथ जुड़ा हुआ या जो डॉक्टरों पर जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं उस पर जो उन्होंने चिंता व्यक्त की है, मैं भी चिंता व्यक्त करता हूं और मंत्रालय भी इस पर चिंतित है। जरूर मैं कोई इसका रेमेडी, इसका निवारण करूंगा और उसके करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो सरकार उठाएगी।